दी हमें आजादी बिना खड़क बिना डाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जी हाँ, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अमन चोपड़ा। आप देख रहे हैं जी न्यूज और हमारा खास शो गेम ऑफ गुजरात लेकर हाजिर हूं मैं पोरबंदर में। ये पंक्तियां मैंने आपको क्यों सुनवाई, यहाँ जो लोग हैं ये पंक्तियां लगातार गुनगुना रहे हैं। यकीन मानिए, कल से हम लोग पोरबंदर में हैं और हर गली, हर नुक्कड़, हर चौक चौराहे पर यही पंक्तियां सुनाई दे रही हैं, क्योंकि ये धरती मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी की जन्मभूमि है और हम हैं पोरबंदर की पावन भूमि पर। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कर दीजिए आप सभी। तो पोरबंदर की पावन भूमि पर इस वक्त हम हैं और सियासी बिस्तार जो है वो बिछ चुकी है, क्योंकि शो का नाम है गेम ऑफ गुजरात। गेम शुरू हो चुकी है, शतरंज सियासी बिसात बिछ चुकी है, मोहरे सेट हो चुके हैं, शह और मात का खेल जारी है। कौन किस पर पड़ेगा भारी, ये तो 18 तारीख को पता लगेगा। लेकिन आज किस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, पोरबंदर में हम क्यों इकट्ठा हुए हैं और आज का सियासी मुद्दा क्या, ये मैं आपको सभी आप सभी को मैं रूबरू करा देता हूँ। गुजरात में हिंदू वोट जरूरी, इसीलिए मंदिर जाना राहुल गांधी की मजबूरी। जिन्होंने हिंदुओं को आतंकवादी कहा, आज वो मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं। जिन्होंने कहा राम का अस्तित्व नहीं है, आज वो राम के सामने शीश झुका रहे हैं। तो चुनाव है, राहुल जी कुछ भी कर सकते हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राह पर चलकर गुजरात जीतेंगे राहुल गांधी? बोले बाबानी ताकत से झेर पीवानी, बोले बाबानी ताकत से झेर पचावानी। मैं शिव का भक्त हूँ, मैं सच्चाई में बिलीव करता हूँ। राहुल जी बार बार बीजेपी मेरे बारे में जो भी बोले वो सब ठीक है, मेरी सच्चाई मेरी सच्चाई है। गुजरात में भक्त वर्सेस महाभक्त। देखिए बापू के जन्म स्थान पोरबंदर से गेम ऑफ गुजरात लाइव। आपको याद होगा 40 महीने पहले, अगर आप सभी की याददाश्त मजबूत है, याद होगा राहुल गांधी का एक बयान आया था मंदिर को लेकर। कोई बता सकता है क्या बयान था? चलिए मैं आपको बता देता हूं। 40 महीने पहले राहुल गांधी का एक बयान आया था कि जो लोग मंदिर जाते हैं, जो लोग मत्था टेकते हैं, वो बस में आपको छेड़ते हैं। यह बयान था राहुल गांधी का। और 40 महीने बाद राहुल गांधी, देखिए राजनीति जो करा है सो कम, वही राहुल गांधी। राहुल गांधी देखिए राजनीति जो करा है सो कम, वही राहुल गांधी अब मंदिर मंदिर मत्था टेक रहे हैं, हर मंदिर जा रहे हैं, हर मंदिर। ये सियासी मजबूरी है क्या? क्योंकि 2011 की जनगणना, ये आप लोग समझिए मुद्दा क्या है, 2011 की जनगणना के हिसाब से हिंदुओं की आबादी 88.5%, 88% हिंदू हैं। तो हमारा आज का सवाल ये है कि क्या ये वोटों की मजबूरी तो नहीं है जो राहुल गांधी को मंदिर तक लेकर गई, और क्या राहुल गांधी के मंदिर जाने से बीजेपी में भी घबराहट है? क्योंकि मैं ट्वीट्स पढ़ रहा था बीजेपी नेताओं के, जहां बार बार राहुल गांधी का जिक्र हो रहा है, बार बार उनके मंदिर जाने का जिक्र हो रहा है, तो पलड़ा दोनों तरफ से भारी है। लेकिन ये क्या राहुल गांधी का उभार है या फिर एक बुलबुला है, और क्या वोटों की मजबूरी है जिस वजह से राहुल गांधी मंदिर जा रहे हैं, या फिर उनकी वाकई कोई और मजबूरी है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ पोरबंदर के तमाम लोग हैं जिन्होंने खूबसूरत गीत की पंक्तियां, कई महिलाएं हैं वहां पर, खूबसूरत गीत की पंक्तियां आपने सुनाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ सामत भाई ओडेदरा हैं जो कि जिलाध्यक्ष रहे हैं पोरबंदर कांग्रेस के। इसके अलावा मेरे साथ कपिल कोटेचा हैं जो कि जिला महामंत्री हैं बीजेपी के, और इसके अलावा मेरे साथ हेमेंद्र पारिक हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला और जी न्यूज़ के शो में आप शामिल हुए। सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से है सामत भाई। देखिए मैं एक ना लिस्ट लेकर आया हूँ मैं आज, एक आप लोग सुनिएगा लिस्ट। इतने मंदिर आप लोग भी नहीं गए होंगे शायद। अक्षरधाम मंदिर, अंबाजी मंदिर, चामुंडा मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, कबीर मंदिर, वीर मेघमाया मंदिर,
बाथी जी महाराज 16 मंदिर जा चुके हैं राहुल गांधी। आप मुझे एक बार ना दिल पे हाथ रख के सच बताइएगा, आप गए इतने मंदिर अभी तक? आपको मैं दिल के हाथ रख के ये बताता हूँ कि राहुल गांधी, मैं और हमारे लाखों अनुयायी, वो भी हिंदू है जी, राम मंदिर या राम का नाम क्या दूसरा कोई भगवान का नाम, ये बीजेपी वाले की मालिकी नहीं है। हम भी जा सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो ठीक है, हम भी मान गए। लेकिन राहुल गांधी अपने पूरे जीवन में इतने मंदिर नहीं गए होंगे जितने मंदिर ये 16 मंदिर चले गए हैं वो। सुनो राहुल, ये वोटों की मजबूरी है ना, वोटों की मजबूरी, मान लीजिए सर कोई बुराई नहीं है। आप सुनो, एक मिनट जी जी, आप आज राहुल गांधी गए तो गिनती करवाते हैं जी नरेंद्र मोदी, मैं बता देता हूँ। मैंने सुना है 14 मंदिर गए हैं। अरे 15 भी जाए, नरेंद्र मोदी 14 गए, राहुल गांधी 16 गया। आप मेरे से सवाल पूछे तो सुनिए, मैं आपसे यही कहता हूँ जी कि हमारे दिल में भी भगवान है, हमारे दिल में भी राम है। चुनावों के दौरान क्यों प्रेम उमड़ता है, उभरता है आदमी की? आज तक जो लोगों, राहुल गांधी जहाँ रहते हैं वहाँ से 6 किलोमीटर है अक्षरधाम मंदिर, आज तक नहीं गए हैं। गए भी होंगे तो इस तरह से सुरक्षा नहीं बनी है। कात्यानी मंदिर है दिल्ली में, वहाँ नहीं गए हैं। ये जो आपने शुरुआत की सर, ये वोटों की मजबूरी है। नहीं, मेरी बात सुनो, आपने जो शुरुआत की है वो एक तरफा शुरुआत है। नहीं नहीं, चलिए आपको लगता है, ठीक है ठीक है ठीक है। कपिल जी आप एक चीज बताइए, आप लोग क्यों घबरा रहे हैं इतना? आप एक मिनट सवाल पूछने दीजिए सर। सर सवाल आप ही का पूछ रहा हूँ, मैं आप ही का सवाल पूछ रहा हूँ कपिल जी। राहुल गांधी अंदर भी लग रही है, राहुल गांधी अगर मंदिर में गए ना लग जाए, इसकी वजह से बीजेपी वाले कभी घबराते नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में इतना डिफरेंस है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर साल 365 दिन मंदिर में जाते हैं और राहुल गांधी एक ही दिन जाते हैं, वो भी उसको मालूम हो गया कि हम हार रहे हैं, पूरी तरह हार रहे हैं। कपिल जी भगवान से प्रार्थना करने के लिए जाता है बचाओ बचाओ, लेकिन भगवान को मालूम है कि ये स्वार्थी भक्त है। जी जी जी, आपसे सवाल क्यों पूछा था, ये ट्विटर हैंडल है जो प्रभारी है धर्मेंद्र प्रधान, उनका लगातार 8 ट्वीट्स किए उन्होंने राहुल गांधी के मंदिर जाने को लेकर। थोड़े तो घबराहट है ना कि कहीं मंदिर मतलब जाने से आपके वोट बैंक में सेंध ना लग जाए? नहीं घबराहट नहीं है, लेकिन जो लोग दूसरे हैं उसको बताते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए मंदिर जाता है। कैसे? इसीलिए बात करते हैं। कैसे आप राजनीति से जोड़ रहे हैं उनके मंदिर जाने को, ये समझाइए। कोई राजनीति नहीं है मंदिर जाने में। क्यों फिर धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि ये उनका दिखावा है? राहुल गांधी पहली दफा जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी, बाबू भाई बोखीरिया और विजय भाई रूपाणी दिल्ली मंदिर में जाते हैं। हाँ, तो ये दिखावा है, ये सियासी ड्रामा है, ये वोट लेने के लिए। राहुल गांधी के लिए तो दिखावा है, सब जानते हैं उसको। आज तक मंदिर के बारे में नहीं बोला, क्यों कांग्रेस ने नहीं बोला कि राम मंदिर बनना चाहिए? नहीं नहीं, राम मंदिर की चर्चा नहीं, नहीं वो भी मंदिर है, वो भी राम है। दिखावा है क्या वो? तो दिखावा की मजबूरी है क्या? पूरी जनता जानती है। नहीं नहीं, ये वोटों की मजबूरी है क्या? दिखावा नहीं है। आज तक सारे देश के सामने भाजपा वाला गा गा के बता रहे थे कि राम हमारा ही है, लेकिन मैं बोलता हूँ, अब आप लोग कह रहे हैं हमारे। आपने अभी बोला कि हिंदुस्तान में 88% हिंदू है। हाँ, 88.5 तो 100 करोड़ हिंदू है। हाँ, आज तक जो वोटिंग का जो ट्रेड है, हाँ, लास्ट टाइम जो वोटिंग हुआ तो उसमें से 5% कम वोट हमको मिला था। हाँ, हाँ, कांग्रेस को तो आप ये मानते हैं कि हम सब नास्तिक है? नहीं नहीं नहीं, मैं हमारे घर में भी मंदिर है। चलिए सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, हमारे घर में भी मंदिर है, मेरे घर में मंदिर है। एक बार सुनिएगा प्लीज, एंटनी कमेटी की रिपोर्ट जो आई थी, कांग्रेस के ही नेता थे, क्या था उसमें? एंथनी कमेटी की रिपोर्ट और ये आज की टॉक और ये इसका इलेक्शन, इसको जोड़ने की कोई जरूरत? क्या था उसमें? ये लिखा गया था कि कट्टर मुस्लिम की जो छवि बन गई उस वजह से हिंदू छिटक रहा है, ये सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड आप लोग खेल रहे हैं। सुनो, कोई भी पार्टी है, कोई भी पार्टी, कांग्रेस है या भाजपा है, हाँ, आज मैं आपको बताता हूँ के उत्तर प्रदेश के मौलवियों को अहमदाबाद में लाए हैं। हाँ हाँ। और बीजेपी वाले वो उत्तर प्रदेश के मौलवियों के सामने के प्रचार करवाते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में मुस्लिम को भाजपा वाले बहुत ध्यान तो रखते हैं। आप भी वही कर रहे हैं, फिर आप में और उनमें क्या फर्क रहेगा? जो सब करते हैं आप, फिर तो आप भी बांट रहे हैं ना, मतलब आप सांप्रदायिक राजनीति का आरोप लगाते हैं और आप वही कर रहे हैं। नहीं सुनो, ये जो आपने हिंदू की बात हमारे सामने की कि हम हिंदू, राजीव गांधी हिंदू, इंदिरा गांधी हिंदू, इंदिरा जी भी मंदिर में जाती थी। एक मिनट बोले दीजिए, इंदिरा गांधी भी मंदिर में जाती थी। हाँ।
लेकिन सिर्फ चुनावों के दौरान नहीं जाती थी, चुनाव के दौरान भी सिर्फ चुनावों के दौरान नहीं, 16 मंदिर मैंने गिरा दिए। मैं आपको लास्ट में ले जाता हूँ 1971 में, जब बांग्लादेश की लड़ाई हुई, इसके बाद जो इलेक्शन आया, वो इलेक्शन में पहली दफा इंदिरा जी जम्मू के मंदिर गई थी, और जम्मू में उस समय वहाँ के लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया था। तो आज हम भी जा सकते हैं मंदिर। कपिल भाई क्यों बोल रहे हैं फिर? 2012 में ऐसा तो नहीं है, वो लोग पहली बार मंदिर जा रहे हैं, पहली दफा ही जा रहे हैं। इतनी मिर्ची क्यों लगी लिए जा रहे हैं? हमारे पास कोई मिर्ची नहीं है, भगवान सबके है, लेकिन वो हिंदू के है राम, ईसाई के नहीं है राम, हमारे भी है राम। और दूसरा, 2012 में सोनिया गांधी जब गुजरात के टूर पे थी, तब एक भी मंदिर याद नहीं आया था, एक भी मंदिर याद नहीं आया था। आज क्यों याद आ रहा है? वो हार रहे हैं, बुरी तरह आ रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें कुछ दो, लेकिन भगवान स्वार्थी लोगों को नहीं देते। मतलब ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, समझ भाई आप राम भरोसे हैं? मतलब नहीं, मैं आप राम भरोसे हैं? नहीं, 1947 से राम भरोसे, अगर आप गलत नहीं, आप कहिए भगवान राम के भरोसे। मैं मानता हूँ, सोच क्यों रहे थे कहने में? मैं भगवान राम को मानता हूँ, आप सोच रहे थे कहने में? मैं जरा ही नहीं बोलता, मैं इसलिए बोलता हूँ कि हमारे सब लोग भगवान को मानते हैं, लोम हम दिखावे नहीं करते थे आज तक, लेकिन आज तक जो दिखावे नरेंद्र मोदी ने किए और आपके सब मीडिया वाले आप भी कर रहे हैं, फेमस किए, इसलिए आप भी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी मंदिर बनाएगा नहीं, उसमें क्या है? चलिए ठीक है, ये सुनिए जरा, फिर आप समझ भाई कर सकते हैं। ऐसा क्यों लग रहा है आगे आगे मोदी पीछे पीछे राहुल? क्यों कह रहा हूँ सुनिए ना, सवाल सुनिए, ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्षरधाम मंदिर गए, राहुल गांधी भी अक्षरधाम मंदिर गए। इसके अलावा दिलचस्प जो फॉर्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने जाते थे, जो फुल फॉर्म्स देने को लेकर दिलचस्प, और राहुल गांधी भी गब्बर सिंह टैक्स जीएसटी, बीजेपी की तरफ से कैंपेन चलाया गया था, आपने देखा होगा सैलून को लेकर वीडियो, कांग्रेस का जवाब आया वो भी सैलून वाला वीडियो आया, डिजिटल मीडिया में जो बीजेपी ने किया वही कांग्रेस कर रही है। तो ये आप अगर नकल कर भी रहे हैं चलिए कोई बुराई नहीं है, लेकिन कहते हैं कि नकल भी अकल से, पता ना लगे, आप लोगों का पता लग रहा है सर। मैं वही बात आपको बताता हूँ, आज तक 2014 से अभी तक नरेंद्र मोदी जी ने लोगों के सामने जब जब गए, वो अक्षरधाम जाते हैं तो वो बोलते हैं कि मैं तो प्रमुख स्वामी के साथ बहुत जुड़ा हुआ था। मैं अभी जो सुनो, नरेंद्र मोदी ने अभी बोला कि 92 में मैं जम्मू जा रहा था तो प्रमुख स्वामी को मेरे को 6-7 बार फोन आया। हिंदुस्तान में मोबाइल कब आया? हिंदुस्तान में मोबाइल 96 में आया, और 92 में प्रमुख स्वामी नरेंद्र मोदी को फोन से बात करते थे। मंदिर की बात करूं, आप मोबाइल की बात कर रहे हैं? नहीं, वही बात बता, आप घुमा लीजिए, नहीं सीधा जवाब नहीं देंगे आप। मैं वही बात बताता हूं कि मंदिर वो आस्था का केंद्र है। अगर नरेंद्र मोदी कोई मंदिर में गए है तो वही मंदिर में राहुल जी क्यों नहीं जा सकते? नरेंद्र मोदी के मुख से, उनके जाने से हम लगातार सुनते रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का अचानक से ये तो भक्ति प्रेम उमड़ा है, इस पर सवाल है। सुनो, ये आप जानते हैं जो लोकशाही में, नहीं नहीं हाँ। आप मानेंगे नहीं, आप नहीं, प्रवक्ता हैं, और आप मैं सही बात बताऊंगा, आप मानेंगे नहीं, आपने डटे रहना। बात बताऊंगा, मैं सही बात ये बताता हूँ कि लोकशाही में अगर लोग चाहते हैं, आज हमारे ज्यादातर लोग ने माना कि भाई हम भी मंदिर में मानते हैं, हम भी भगवान में मानते हैं, तो हम क्यों दिखावा नहीं करते? ये बीजेपी वाला आज तक दिखावे करते थे तो हम क्यों नहीं करते? कपिल भाई मतलब मोदी करें तो दिखावा नहीं है, राहुल करें तो दिखावा, क्योंकि वो ऐसे भी नहीं जा रहे मंदिर में, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, उसको मालूम नहीं है, राहुल गांधी को मालूम भी नहीं है कि मंदिर में कैसे जाना चाहिए, माथा कहाँ टेकने चाहिए, पूजा कैसे होती है, आरती कैसे होती है, उसको कुछ मालूम ही नहीं है। सीख रहे हैं, आपको खुश होना चाहिए। सीख रहे हैं, हम तो खुश है। आप मोदी के नक्शे कदम पर अगर राहुल गांधी चल रहे हैं तो आप, लेकिन पूरे गुजरात के लोग उसको पहचान गए है कि अपने स्वार्थ के लिए आ रहे हैं, लेकिन गुजराती लोग बहुत होशियार है, समझू है, उसको मालूम है कि यहाँ बीजेपी का कमल खिलने वाला है। हिमेंद्र जी, ये आपने पूरी चर्चा सुनी, ये यूपी में तो हम मंदिर का जिक्र सुनते थे, राम मंदिर का मुद्दा, गुजरात चुनावों में भी मंदिर इस वक्त छाया हुआ है, आपको लगता है इसका कोई असर होगा या फायदा मिलेगा या नुकसान होगा? पहले तो मैं भारत का नागरिक हूँ जी, ओ हमारा संविधान क्या कहता है, सभी धर्मों को आदर से देखना, किसी के बात को मत टालना, जो हिंदू है तो अपनी तरफ से धर्म निभाते, लघुमती कौन से लोग है तो उसकी रीते धर्म लगाते हैं। तो अभी जो चुनाव की बात चल रही है
तो इसमें धर्म या जाति को लेने बीच में लेने की कोई जरूरत नहीं। बताइए ना हेमेंद्र जी, आप तो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं सर, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं आपसे चलिए आपसे जानना चाहूंगा, जातिवाद का जहर कौन घोल रहा है गुजरात की राजनीति में इस बार? ऐसे बताइए, आप बताइए, आपसे ये बातचीत से जाति पर असर आ जाती है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, जातिवाद का जहर कौन घोल रहा है? आप बोलते हैं तो मैं उसको, कौन तीन तीन युवाओं नेताओं को पार्टी में लाकर ये दावा ठोक रहा है कि एबीसी ओबीसी दलित खाम वो आप बताइए सर कौन बोल रहा है? मैंने बता दिया कि इसकी असर जाति पर आ जाती है जी, मैंने यही बताया कि धर्म की बाबत अभी से तो उसमें जाति पर भी आ जाती है। हाँ कपिल भाई, अब तक आप लोगों पर सांप्रदायिक राजनीति का आरोप लगता था, अब ये देखकर आप गदगद होंगे, आरोप लगाने वाली खुद इस तरह की अगर राजनीति कर रही है तो उनके तो हथियार जो धार है वो कुंद हो जाएगी ना। कांग्रेस को मालूम है कि वो हारने वाले हैं, इसीलिए ज्ञातिवाद का ये जो बदपुड़ा उसने उठाया है। पाटीदार दलित और ठाकुर समाज तो आज तक कांग्रेस ने याद नहीं किया था, लास्ट 3 या 6 मंथ से क्यों याद कर रहे हैं? उसको मालूम है कि कहीं यहाँ से वोट मिल जाए और हम जीत जाए, लेकिन वो भी बड़े होशियार है, कांग्रेस को पहचानते हैं। 95 के बाद आज तक गुजरात में कोई राइश नहीं हुआ, कोई तूफान नहीं हुआ, कभी कर्फ्यू नहीं हुआ। ये तो मानेंगे, ये बीजेपी का शासन का सबसे अच्छा सालों में नमूना है। ये तो आप मानेंगे 22 सालों में इस तरह की कोई घटना नहीं हुई, इसका श्रेय देंगे आप? इसका कारण क्या है? ये लोग ही करवाते थे, तो नहीं हुआ, ठीक है, तो इन 22 सालों में नहीं हुआ ये मानते हैं ना? मानते हैं नहीं हुआ, लेकिन क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि ये जो आरएसएस वादी विश्व हिंदू परिषद के लोग थे और अहमदाबाद में जब रथ यात्रा निकलती थी तो वही लोग गालियां देते थे, वही लोग विरोध में बोलते थे और ये खड़ा करना चाहते थे, इसलिए कि भविष्य में ये दो कौम हिंदुस्तान में, मैं आपको बताऊं, मैं आपको बताऊं, इस बार आप भी बात नहीं, हमें नहीं, इस बार आप भी बात, सुनो मेरी बात, कांग्रेस पार्टी सांप्रदायिक, आप मेरी बात सुनो, अगर ये आरोप लगाना है इस बार आप भी वोट बैंक के लिए मंदिर जा रहे हैं। कभी कांग्रेस ने नहीं किया, ये देश में हम मानते हैं कि मुसलमान को कोई निकाल नहीं सकता, यहाँ तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कह दिया था आपको कि देश के संसाधनों पर पहला हक अगर निकाल देना है तभी आपको, तभी ये बयान जो है तभी तो आपको उल्टा पड़ा और अब आप डैमेज कंट्रोल की मुद्रा में। डैमेज कंट्रोल की बात मैं नहीं करता, मैं मानता हूँ कि हमारे देश में ये धर्म निरपेक्ष देश है। हाँ। और यहाँ सर्व धर्मों को रहने के, तो मैं तो ये बताता हूँ कि अभी मेघालय में चुनाव आने वाला है तो बीजेपी वहाँ तो बोलती है कि हम यहाँ बीप पे बांध नहीं लगाएगी, आपने वो तो सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना? अरुणाचल में अलग बात करते हैं, मेघालय में अलग बात करते हैं, वो जो बात कर रहे हैं आप क्यों कर रहे हैं? फिर आप में और उनमें क्या फर्क रह गया? नहीं, लोकशाही में प्रीच बट यू प्रैक्टिस कहा जाता है ना सर, तो ठीक है आपने अपनी बात रखी, हमारे साथ पोरबंदर की जनता जनार्दन भी है, बहुत सारे हाथ खड़े हुए, मेरे सहयोगी विशाल है मेरे साथ जो लगातार मेरे साथ इस टूर पर है और पोरबंदर की तमाम राजनीति से मुझे वाकिफ करा रहे हैं। विशाल, क्या नाम है आपका और क्या सवाल है, क्या मुद्दे हैं पोरबंदर के? मैं डॉक्टर नूतन गोकानी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 95 के पहले जो पोरबंदर में इनसिक्योरिटी थी, जो गैंग वॉर थी वगैरह, तो अभी 22 साल में वो कुछ नहीं हुआ है, तो अगर वापस वही स्टार्ट होगा, अगर कांग्रेस वापस आ जाए। आपने सही बोला कि राहुल गांधी पॉलिटिक्स खेल रहा है, एक मिनट, वहाँ केरल में गाय काट रहा है और यहाँ भाटीजी महाराज के मंदिर में जा रहा है। मेरा सवाल है कि कांग्रेस कितने साल से शासन कर रही थी? 7 साल से। हमारा माछीमार लोगों का गांव है वहाँ सामने सुभाष नगर, उसमें इसने अभी तक नाली भी नहीं है। सवाल बीजेपी से है, 22 ईयर्स से बीजेपी गुजरात में है, बराबर है, मालूम है आपको? सवाल पूछिए, बिल्कुल। हाँ वही सवाल है कि 22 ईयर्स से गुजरात में बीजेपी है तो उसने क्या क्या किया है हमारे लिए जो पोरबंदर को लाभ हुआ है? क्या हमारी ट्रेंड शुरू हुई है? जो ट्रेंड नजर आ रही है कपिल भाई, चलिए जवाब ले लेते हैं। कपिल भाई थोड़ी नाराजगी, आप देख रहे हैं तमाम जो लोग हैं ये निष्पक्ष आवाज है, थोड़ी नाराजगी है आपके लिए। 5 साल में पोरबंदर में माननीय बाबूभाई बोखीरिया, गुजरात की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी, उसने क्या किया है? स्पोर्ट्स क्लब किया है भैया, स्पोर्ट्स क्लब किया है पोरबंदर में, उसका नाम है विकास। रिवर फ्रंट बन रहा है, विकास
चौपाटी बन गई विकास, कमला नेहरू बाग बना विकास, यहाँ पे एसटी बस स्टैंड बना विकास, तालाब के लिए बड़े बड़े पानी के लिए तालाब बने वो विकास, कपिल भाई कैनाल बनी है वो विकास, कपिल भाई शांति मछुआरों के लिए क्या किया आपने वो भी देता हूँ, मछुआरों के लिए क्या किया, नहीं 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 कपिल भाई सटीक सवाल के लिए सबसे बड़ा सर बाबू भाई बोखीरिया ने शांति और सलामती दिया कपिल भाई उसको बोलते हैं विकास, आप मछुआरों के लिए क्या किया ये बता दीजिए, मछुआरों के लिए हमने अभी मछुआरों के लिए जो फिशरमैन है उसके लिए यहाँ पे अभी ड्रेनेज का काम चल रहा है, पाकिस्तान की मैरीटाइम फोर्स उठा के उनको बार बार मरीन फोर्स ले जाती है, 15 करोड़ का ड्रेनेज का काम चल रहा है, 2 साल में 57 बोट पाकिस्तान के भारत सरकार के खर्च से यहाँ पे लाई गई, 15 दिन पहले 68 मछुआरों को पाकिस्तान की जेल से मुक्त करवाया, हाँ और यहाँ के नेवी और कोस्ट गार्ड को पेट्रोलिंग बोर्ड के साथ पूरी सुविधा के साथ पूरे दरिया समुद्र जी जी। में ठीक है कुछ और लोगों की राय लेते हैं, बताइए विशाल मेरा प्रश्न कपिल भाई से है, विकास की बात हो रही है माछीमार के विकास की बात हो रही है, माछीमार का जो जितना विकास हुआ उसकी बात हो रही है, मैं कपिल भाई से एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि 22 साल में जो बंदर के अंदर जो पानी की समस्या है, शौचालय नहीं है, सफाई नहीं है और लाइटिंग की सुविधाएं नहीं है और माछीमार के लिए कुछ फैसिलिटी नहीं, विकास की बात करते जो इतने 22 साल में आप 2 शौचालय नहीं बना सकते, ये जो भाई ने बात की वो बिल्कुल गलत है, अभी पाकिस्तान से नरेंद्र मोदी ने 57 बोटें छोड़ी, गुजरात गवर्नमेंट ने फिर आप लोग बापू की धरती पर हैं, दोनों लोगों से जवाब लेंगे, हिंसा का पाठ उन्होंने पढ़ाया, आप इस तरह से हिंसा कर रहे हैं सर, आप रुक जाइए जवाब लेंगे, मैं मछुआरों वालों का सवाल जी जी चलिए बताइए समझ जवाब नहीं भी दूंगा, मछुआरों का सवाल ये आज का नहीं है लेकिन उसको सुलझाने के लिए बीजेपी वाले ने जो बात की वो करी नहीं है, मैं आपको 2014 की बात करता हूँ, उस समय जब हमारी यहाँ गुजरात की और हिंदुस्तान की बोटें पाकिस्तान ने अगवा कर ली थी तो मनमोहन सिंह ने उस वक्त पैकेज दिया था कि जो बोट पाकिस्तान वाले पकड़ लेते हैं वो बोट मालिक को 12 लाख, सुन लीजिए सर आप ही के लिए कह रहे हैं, आप सुनना नहीं चाहते हैं तो वोट किस आधार पर देंगे, आप सुनिए उसी आधार पर आप वोट देंगे ना, आप जनप्रतिनिधि को अपने नेताओं को सुने तो सही सर, तो मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 12 लाख रुपए जो बोट मालिक की बोट पाकिस्तान में पकड़ गई उसको दिया, हाँ। और 8 लाख तो अभी हुआ, आपने अब इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया, मैं वही बात बताता हूँ अभी हुआ है ये लगातार हम देख रहे हैं मछुआरों की स्थिति है, आपने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया, सुनो ये पैकेज इन लोगों ने बंद कर दिया है, 2014 के बाद कई बोट पाकिस्तान ने पकड़ ली है, अभी 2 दिन के पहले भी पकड़ ली, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपने तो, नहीं जो पैकेज किया था 20 लाख पैकेज वापस ले लिया आपने सर, तो ये मनमोहन सिंह के पैकेज चार साल में फिशरमैनों को 148 करोड़ रुपया की सब्सिडी दी, दिवाली के 4 दिन पहले अभी 1 महीना दिन पहले 40 करोड़ रुपया की सब्सिडी दी, 15 करोड़ का नया फिशरीज टर्मिनल बन रहा है, 15 करोड़ का काम पूरा हो गया तो उसको बोलते हैं विकास, और पूरे बंदर रोड पे देख लीजिए एलईडी लाइट से, आज भी एलईडी लाइट से उसको बोलते हैं विकास, आप जनता जनार्दन है लोग, एक बार पूछिए उनके मन में क्या सवाल है, क्या सवाल है आपके मन में, किससे सवाल है, क्या नाम है, हवा चलती है दिखती नहीं उसे महसूस करना पड़ता है, विकास दिखता नहीं उसे देखने का नजरिया बदलना पड़ता है, और लोगों से सवाल ले लेते हैं इधर से, बिल्कुल हाँ बताइए, आपने जो बोला कि मैंने जातिवाद की राजनीति नहीं की है तो एक बार सवाल है कपिल भाई से, आपने बोला कि हम जातिवाद से राजनीति नहीं करते हैं तो आपने राम और हज क्यों उभा कर दिया, क्यों खड़ा कर दिया राम और हज, राम और हज क्यों खड़ा कर दिया, कुछ और लोगों से हम सवाल लेते हैं, बताइए, मैं कांग्रेस से 2 सवाल पूछता हूँ, 1999 से 2002 तक वो कांग्रेस का शासन सवाल, वो उसने बोला था कि पहली संपत्ति, देश की पहली संपत्ति पर मनमोहन सिंह ने ऐसा बोला था कि मुस्लिमों का हक है, मेरा कपिल भाई से सवाल है कि 2014 में नरेंद्र मोदी राज्य से जब केंद्र में गए थे तो गुजरात मॉडल को लेके गए थे तो अब 70 रैली सीएम अपने एमपी के सीएम और योगी नाथ को क्या जरूरत पड़ गई यहाँ बुलाने की, कपिल भाई आप से सवाल है, पूरी फौज उतारी हुई आपने, योगी आदित्यनाथ स्मृति ईरानी एक तरफ, राहुल गांधी एक तरफ, पूरी फौज उतारी हुई भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी का कद बड़ा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता नहीं है, चाहे सीएम हो पीएम हो या योगी जी है,
सब बीजेपी के कार्यकर्ता है और जहाँ कोई चुनाव होती है, जहाँ भी जरूरत पड़ती है वहाँ जाने का कार्यकर्ता दारिद्र है, उस दारिद्र को निभाने के लिए आप आ रहे हैं। सामत भाई, इसका एक दूसरा पहलू भी है, आपके पास नेताओं का भी अकाल है शायद। बहुत अकाल है, नेता बहुत है, उनकी आपसी लड़ाई इतनी है कि आप मैदान में सामने ला नहीं पा रहे। अभी सीएम का चेहरा कौन है ये तय नहीं है। आप भूल रहे हैं, मनमोहन सिंह अभी अहमदाबाद आ गए, साम पित्रोड़ा अहमदाबाद में है, चिदम्बरम जी राजकोट आ गए, ये हमारे कांग्रेस के नेता आप मानते हैं कि नहीं है? आगे पूछूं मैं, भरत सिंह सोलंकी, अर्जुन मोड़वाड़िया, ये नेता कहाँ है? इनकी आपसी लड़ाई है? नहीं, कोई आप मानिए इनकी आपसी लड़ाई है। एक बात मैं बोलूं, सीएम का चेहरा कौन होगा? एक बात मैं बोलूं कि अहमद पटेल तो नहीं होंगे? अहमद पटेल 100% नहीं होंगे, अहमद पटेल 100% नहीं होंगे जी। मैं आपको ये कौन होगा आप बताइए। नहीं, हमारे गुजरात के इलेक्शन के बाद हमारे पार्टी के लोग तय करेंगे। ये तो बीजेपी की लाइन होती है। नहीं, वही कॉपी कर लीजिए, पूरे मोदी मॉडल को कॉपी कर रहे हैं आप। नहीं, ये मोदी मॉडल तो बाद में आया, ये तो बीजेपी की लाइन है। पूरे भरूच जिले में सब जगह बैनर लगा हुआ है कि अहमद पटेल मुख्यमंत्री है। आप सीएम का चेहरा बताइए ना, में मोदी थे, आप सीएम का चेहरा बताइए ना। हम सीएम का चेहरा इसलिए नहीं बताते कि हमारे पार्टी ने अभी तक तय किया है कि कोई भी जगह हम सीएम का चेहरा पहले से देते नहीं है, लेकिन लोगों की सोच में ये जो बदलाव आया है, अभी दो दिन पहले मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, कपिल भाई ये तो सोच आपने भी बदली, वहाँ बीजेपी हार गई है, ये तो सोच आपने भी, हिमाचल में प्रेम कुमार धूमल का नाम का ऐलान आप लोगों ने भी कर दिया। कर दिया है तो हमने गुजरात में भी किया हुआ है, विजय भाई रूपाणी हमारा मुख्यमंत्री, बहुत बदल भी, नरेंद्र मोदी, आनंदीबेन पटेल, विजय रूपाणी। हाँ, तो विजय भाई रूपाणी आज भी है और कल भी 19 तारीख को दिसंबर को वो भी मुख्यमंत्री होंगे। अहमदाबाद में खानपुर, मिर्जापुर और भरूच जिले में और गोधरा में ये लिखा हुआ है कि नेक्स्ट सीएम अहमद पटेल है कांग्रेस का। नहीं, ये क्यों ना बोल रहे हैं? ये आप लोगों ने लिखवा होगा, हमने तो लिखा नहीं, आप लोगों ने लिखवा दिया होगा। चलिए लोगों से पूछ लेते हैं भाई, बीजेपी कह रही है कि अहमद पटेल शायद कांग्रेस जीती तो मुख्यमंत्री होंगे, अहमद पटेल होने चाहिए मुख्यमंत्री? हमारी पार्टी ने तय नहीं किया है। समद भाई ने स्टार्टिंग में बोला कि मैं हिंदू हूँ, राहुल गांधी हिंदू है, तो मैं सामत भाई को मानता हूँ कि हिंदू है, ये राहुल गांधी गांधी भी कैसे और हिंदू भी कैसे है बताओ। गुजरात का सीएम भाजपा का पहले से ही होता है, लेकिन कांग्रेस का तो होता ही नहीं। आप देख सकते हैं सियासी पारा यहाँ पर चढ़ा हुआ है, पोरबंदर की धरती पर इस वक्त मौजूद है महात्मा गांधी, बापू की जन्मस्थली, लेकिन सियासी पारा चढ़ा हुआ है। 18 तारीख को पता चलेगा कौन किस पर पड़ेगा भारी। जी न्यूज लगातार आपसे अपील कर रहा है कि आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें, कल जामनगर से जरूर देखिएगा गेम ऑफ गुजरात। शुक्रिया।